हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उषा एंड मैं स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल केयरिंग मम वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी ने मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे प्लीज़ आगे तक लेके जाइए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है, एक ऐसे कुछ खास लक्षण के बारे में जो बताया जाता है कि गर्भ में बेबी बॉय होने पर ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, जब पुराने ज़माने में हमारी अस्पताली सुविधाएं नहीं थी ना, तभी भी वो महिलाओं के बॉडी सिम्टम्स के ऊपर से, उनकी चाल ढाल पर से, खाने पीने की आदतों पर से बता देती थी कि उसको क्या होगा, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में हम बताएंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, साइंस इसको क्या मानता है कि नहीं मानता है, और साथ ही में हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो बताती है, क्या वो बातें सही होती है या गलत होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम उसी पर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, बिना स्किप किए हुए है वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, सारे आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का या फिर मेरे चैनल का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप कोई भी लड़का लड़के में भेदभाव करें, कोई लिंग में भेदभाव करें। दोस्तों, हमारे लिए, मेरे चैनल के लिए, वैसे तो कोई भी माता पिता के लिए उसका जो बच्चा है वो बहुत ही प्यारा होता है, चाहे वो लड़की होती है चाहे लड़का होता है, दोनों को समान प्यार और अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, तो दोस्तों, वैसे आपको मालूम ही है कि हमारे इंडिया में वैसे भी लिंग परीक्षण करवाने हैं कानूनी अपराध है, तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ हमारी जो मन की जिज्ञासा रहती है, आपको मालूम है कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट होती है ना पहली बार, तो उनके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि उसको क्या होगा, एक बेटा होगा कि एक बेटी होगी। तो दोस्तों, यही जिज्ञासा को, यही उत्सुकता को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो आप वीडियो को उसी तरह से देखिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखा कीजिए, बाकी मेरे वीडियो को या फिर कोई भी वीडियो को देखकर कभी कोई भी गलत कदम कभी मत उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक 2 साल का बेटा है, तो मुझे भी अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स जो दिखे थे ना, तो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वही ये वीडियो मैं बताने वाली हूँ आगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो को फटाफट चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी महिला जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसमें काफ़ी सारे बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्हीं बदलावों में से हम कुछ ऐसे बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा और खुद अनुभव हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलो, तो पहला ये है कि आपका मूड स्विंग होना। तो दोस्तों, क्या होता है कि फर्स्ट तिमाही में आपकी प्रेगनेंसी जैसे सेकेंड में कन्फर्म हो जाती है ना, तो आपका मूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग होने लगता है, मतलब कि आपको बेवजह गुस्सा आ जाता है, बेवजह आप रोने लगते हैं, बेवजह आपको खुशी मिल जाती है, बात बात पर आप रूठ जाते हैं ना, कोई कुछ बोलता नहीं है फिर भी आपको बुरा लग जाता है, रोना आ जाता है, इसको बोलते हैं मूड स्विंग। अगर प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये लक्षण को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एक बेबी बॉय होने का गर्भ में माना गया है, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी यही बताती हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कि हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं ऐसा बताती है कि गर्भावस्था के दौरान अगर सेकेंड और थर्ड तिमाही में अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है दोस्तों, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। तो दोस्तों, क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात ही है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आपको देखना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर हद से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको 2 से 3 घंटे में अपनी पेंटी है वो चेंज करने जानी पड़ती है, अगर इतना ज़्यादा हो रहा है ना, उसमें बदबू आ रही है, ऐसा सब कुछ हो रहा है ना दोस्तों, तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। कोई भी वीडियो को देख कर ये नहीं समझना है कि आपने बेटा कंसीव किया है तो मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए दोस्तों।
ठीक है। और वाइट डिस्चार्ज होता है नॉर्मल बात है, लेकिन क्या होता है कि वो वाइट डिस्चार्ज वो क्या होता है कि आपके म्यूकस प्लग के बच्चेदानी के मुंह पर है वो एक चिकना पदार्थ है वो चिपका उड़ा रहता है, उसको बोलते हैं म्यूकस प्लग, है ना। तो क्या होता है कि आपको जैसे 8वां 9वां महीना लग जाएगा ना आपका, तो म्यूकस प्लग है ना वो छूटता जाएगा, मतलब आपकी पूरी म्यूकस प्लग में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी की जो गंदगी रहती है ना वो उसमें इकट्ठी होती है ना, ताकि बच्चे को कोई है ना कोई खराब बैक्टीरिया है वो उसको स्प्रे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि 8वें 9वें महीने में वो म्यूकस प्लग वहाँ से निकल जाता है धीरे धीरे, तो वो क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो वो अगर निकलना चालू हो जाता है 8वें 9वें महीने में, तो कभी कभी माना जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी या फिर डिलीवरी होने का टाइम नज़दीक आ गया है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों आखिरी लक्षण के बारे में। तो आखिरी लक्षण ऐसा है दोस्तों कि आपके पैरों में स्वेलिंग होना। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसा माना गया है कि अगर आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ रही है, आपका राइट पैर या फिर लेफ्ट पैर जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है, आप बहुत भारी दिख लग रहा है आपको, तो ये माना जाता है कि उस टाइम पर आपने गर्ल को कंसीव किया है, एक बेटी को कंसीव किया है। लेकिन अगर आपके पैरों में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, जैसे थे पहले वैसे ही अभी भी आपके पैर, तो माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मेरी छोटी सी कोशिश है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते हुए, अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों अंत तक आप ज़रूर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज़।